नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर। ये वीडियो पावर हाउस से के एक्सवेशन के से रिलेटेड है। आप लोगों को इस बारे में मैं तीन वीडियो पहले दे चुका हूँ। पहली वीडियो थी कि मेथड कौन कौन सा मेथड पावर हाउस के एक्सवेशन में हम लगाते हैं। दूसरी वीडियो थी ड्रिलिंग पैटर्न कौन सा लगता है। और तीसरी वीडियो थी उसका बाइडनिंग कैसे करते हैं। तो आज जो पहली बार इसके पहले जो वीडियो दिया हूँ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि पावर हाउस का जो ड्रिलिंग पैटर्न होता है वेज कट पैटर्न होता है और पावर हाउस का एक्सवेशन वेज कट पैटर्न में ही प्रिफरेबल है और किया भी जाता है जहाँ तक मैं देखा हूँ, क्योंकि पावर हाउस का सेक्शन बहुत बड़ा होता है और उसमें हम बर्न कट पैटर्न इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वेज कट पैटर्न में वाइब्रेशन कम होता है। अगर सेक्शन बड़ा है वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो कोलैप्स होने का चांसेज रहता है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे थोड़ा एक शॉर्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ये एक पावर हाउस का क्रॉस सेक्शन है, 32 मीटर विड्थ बाय 44 मीटर हाइट एंड 336 मीटर लेंथ है। तो जैसा कि मैं पहले आप लोग बताया हूँ कि इसका स्प्लिट मेथड में ही इसका कंस्ट्रक्शन प्रेफरेबल होता है, जिसमें कि पहले ये बेंचिंग पोर्शन को हम रिमूव कर, ये बेंचिंग नहीं, ये हेडिंग पोर्शन को इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, ब्लास्ट करके रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव हो जाता है। उसके बाद ये बेंच बचता है, इस बेंच का हम जब वाइड ब्लास्ट करते हुए आगे निकल जाते हैं और इस प्रकार पावर हाउस का एक्सवेशन पूरा होता है। लेकिन आप लोगों को मैं इसके पहले जो बताया था, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर ये पोर्शन है एक्सवेटेड हेडिंग, देखिए एक एरो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है एक्सवेटेड हेडिंग है। उसके बाद जो बचा हुआ है ये पोर्शन, ये है एग्जिस्टिंग बेंच, यानी बेंच पहले से बचा हुआ है। तो इसमें दो मेथड में बताया था, एक तो कि वेज कट पैटर्न फ्रंट से हम करेंगे और एक वेज कट पैटर्न टॉप से करेंगे। तो वेज कट पैटर्न फ्रंट से जैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं वीडियो दे चुका हूँ, और अभी जो वीडियो दूंगा वो वेज कट पैटर्न टॉप से कैसे होगा। वेज कट पैटर्न जो फ्रंट से करते हैं इसमें रीच छोटा होता है, 3 मीटर से ज़्यादा का, 3 से 4 मीटर का रीच हम लेते हैं, उससे ज़्यादा का मिलता नहीं है और होना करना भी मुश्किल है। लेकिन टॉप से जो हम वेज कट पैटर्न ड्रिलिंग करते हैं बेंच को हटाने के लिए, बेंच को एक्सवेट करने के लिए, उसमें 10 मीटर से 15 मीटर तक हम एक बार में हटा सकते हैं, एक बार में ब्लास्ट ले सकते हैं। आइए इसका मैं, ये बेंच पोर्शन है, ये बेंच पोर्शन है, हमें इसको हटाना है। तो इसके लिए हम ड्रिलिंग पैटर्न कैसे बनाएंगे, किस तरह का वेज पैटर्न होगा, वो वेज कट पैटर्न ही होगा, वो हम अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने ये स्केच अवेलेबल है। अभी मैंने जो सेक्शन लिया था पावर हाउस का, ये 16 मीटर है और लेंथ 236 है, हाइट आपको 44 मीटर है। ये हम हाइट में ले रहे, इसमें ले रहे हैं, लेंथ में ले रहे हैं। सपोज के लिए ये तो 32 मीटर, ये 32 मीटर है विड्थ और ये लेंथ 236 है, तो ये जा रहा है, इसमें से हमने 7 मीटर का रीच ले लिया, 7 मीटर का रीच लिया ब्लास्ट करने के लिए। 7 मीटर बेंच को हम ब्लास्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हमने जो आप लोगों को इसके पहले वाले तो करीब 3-4 महीना पहले हमने जो वीडियो दिया है कैलकुलेशन ऑफ बर्डन एंड स्पेसिंग फॉर ड्रिलिंग पैटर्न, तो उसमें जो मेथड वही है, उसी मेथड से यहाँ भी कैलकुलेट होगा बर्डन एंड स्पेसिंग। तो उस मेथड के हिसाब से हमारा बर्डन कितना है, 1 मीटर निकला है और स्पेसिंग कितना निकला है, 1.25 मीटर। सपोज कीजिए ये हम प्लान में देख रहे हैं, प्लान में ये सेंटर लाइन है,
तो सेंटर लाइन से हमारा जो स्पेसिंग है 1.25 है, उसमें हम 500 mm और ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.25 और प्लस 1.75, ठीक है 1.75। तो ये सेंटर से हम इधर 1.75 का 50% हाफ और इधर हाफ लिया, यानी टोटल ये हम 1.75 हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद यहाँ से हम जो 1 मीटर हमारा बटन कितना है 1 मीटर, तो हम यहाँ से 1 मीटर लिया बेंच पर, 1 मीटर मेजर करके या उसको हम मार्क करके लगा देते हैं। जब ये 1 मीटर यहाँ मिल गया तो अब ये हम दोनों लाइन ऐड करेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल इक्वीलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये होगा 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60। अब इसमें 1.75 है तो ये भी 1.75 होगा, ये भी 1.75 होगा, एज पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा पहला होल जो होगा ड्रिलिंग जो होगा यहाँ होगा। अब एक होल से दूसरे होल का जो स्पेस है, जो स्पेसिंग कैलकुलेटर किया, कैलकुलेशन किया गया, और कितना किया गया 1.25। तो ये 1.25 के बाद दूसरा होल आएगा, यहाँ दूसरा होल आएगा। ओके क्लियर, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद फिर हम एक मीटर के बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं, और वहाँ से हम तब ये इस लाइन के पैरेलल में हम लाइन लेते हैं, यहाँ कहीं आएगा। उस समय ये जो है 1.75 से बढ़कर ये हो जाएगा आपको अबाउट 1 मीटर 2 मीटर, तो 2.75 हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ये भी 2.75 होगा, ये भी 2.75 होगा। जब तब क्या करेंगे हम, यहाँ हमारा पहला ड्रिलिंग होगा, उसके बाद दूसरा ड्रिलिंग वहाँ से 1.25 के बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ से 1.25 के बाद यहाँ पर होगा, क्योंकि लिखा हुआ है 1.25। अब ये यहाँ पर जो ये 1 मीटर का दिखाया गया है ये बर्डन का है, फिर हम दूसरा बर्डन लेंगे, दूसरे लाइन का लेंगे बर्डन, ये हो गया 1 मीटर। यहाँ से इसको हम इधर बढ़े, इस तरह बढ़ेगा 1 मीटर, इधर बढ़ेगा 1 मीटर, इधर 3.75 हो जाएगा, 3.75 इस तरह से ये हमारा बढ़ता रहेगा। और हम इसमें जितना होल हमारा आएगा यहाँ लिया, पहला हम होल यहीं करेंगे, यहाँ से 1.25 पर दूसरा करेंगे, 1.25 पर तीसरा करेंगे, 1.25 पर चौथा करेंगे, 1.25 पर पांचवा करेंगे, इधर इस तरह से यहाँ करेंगे, इस तरह से ये सारे लाइनों पर हम इस तरह का ही लाइन मार्क करके उस पर ड्रिलिंग करते हैं। अब रह गया हमारा बेंच कितना है, अगर बेंच का हाइट हम लोगों ने लिया है 44 मीटर हाइट, तो 22 मीटर में हटा दिया, 22 मीटर बचा है, 22 मीटर में से यानी 22 मीटर में से हम सपोज करते हैं कि हमको 6 मीटर का, 3 मीटर का हम पहले ब्लास्ट में लेते हैं, बेंच हटाते हैं, तो 3 मीटर का हम होल होम करेंगे, 4 मीटर का वर्टिकल होल होगा, यानी यहाँ से वर्टिकल होगा। ऐसे अभी हमने दिखाया था ना कि ये ऐसे अगर बेंच है, ये बेंच है, तो हमारा होल यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, मगर ये इस लाइन के फैशन में होगा। अब आपको मैं समझा दूँ, यहाँ 3 मीटर तक हम 4 मीटर तक होल कर दिए, तो 4 मीटर हम अगर 4 मीटर का होल करते हैं तो 3.5 हमको आराम से मिलेगा, क्योंकि इसका 2 फेस है, 3 फेस है, एक टॉप में 3 फेस है और एक फ्रंट में 3 फेस है, इसलिए इसमें लेंथ जो है अच्छा मिलेगा। अब इसको वेज का ड्रिलिंग पैटर्न क्यों कर, ये देखिए ये शेप जो है एक वेज है, अगर यहाँ ब्लास्ट लेंगे तो पहले ये निकलेगा, इसके बाद ये निकलेगा, और उसके बाद ये निकलेगा, इसके बाद ये निकलेगा, उस तरह से हम ये 7 मीटर का लिए हैं, 7 मीटर का हम 7 मीटर की जगह 10 मीटर ले लेंगे, 15 मीटर तक आराम से ले सकते हैं, और ये 15 मीटर का हम पूरा ड्रिलिंग करके एक बार में ब्लास्ट कर देंगे। अब रह गया ध्यान आपको देने की बात है सीरीज का,
सीरीज हम किस तरह का देंगे, डिटरमिनेटर सीरीज किस तरह का होगा, यहां पर होगा जीरो, यहां होगा जीरो, उसके बाद यहां होगा वन, यहां होगा वन, ये जीरो हो गया, यहां पर आ गया टू, यहां आ जाएगा वन, यहां पर आ जाएगा वन, यहां टू, यानी पहले फार्मूला ये है कि पहले ये हटना है वेज, जब ये वेज हटेगा तो ये ब्लास्ट होगा तो अपने आप उठ जाएगा। तो सीरीज हमको यहाँ हम वन से जीरो से करते हैं ये जीरो, और ये वन से करते हैं तो पहले ये निकल जाएगा, फिर हम यहाँ पर वन करते हैं, इसके बाद वन मिली सेकेंड का डिफरेंस आएगा, तो वन मिली सेकेंड के डिफरेंस उसके बाद वन मिली सेकेंड के बाद ये ब्लास्ट होगा, जब ये ब्लास्ट होगा इसके बाद ये ब्लास्ट होना चाहिए, तो ये कितना है वन है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए टू, ये होना चाहिए थ्री, सबसे लास्ट में यहाँ ब्लास्ट होना चाहिए ताकि ये पूरा वेज कट को बाहर निकल जाए। इसी तरह से सीरीज को अपने ढंग से बनाना है, अगर यहाँ जीरो है यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ थ्री होगा, अब इसके बाद इधर जो सीरीज होगा ये अगर यहाँ वन है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वन है तो यहाँ टू होगा, यहाँ थ्री होगा, फिर यहाँ अगर टू है तो यहाँ पर थ्री होगा, यहाँ फोर होगा, यहाँ फाइव होगा, यहाँ से सिक्स होगा, इस तरह से अगर यहाँ थ्री है यहाँ फोर आ रहा है तो यहाँ फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट आएगा, फिर इसके बाद जो इधर सीरीज होगा वहीं सीरीज इधर भी होगा, क्योंकि वेज कट करके एक ही साथ में निकलेगा, ये नहीं कि पहले ये ब्लास्ट होगा तो पहले ये ब्लास्ट होगा, ये एक साथ ब्लास्ट, एक साथ में वेज निकलेगा, ये एक साथ में वेज निकलेगा, ये एक साथ में वेज निकलेगा। तो इसको हम एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम ड्रिलिंग करें तो ये ड्रिलिंग का जो यहाँ है ये हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री टू 5 डिग्री का इंक्लाइनेशन होना चाहिए ताकि इधर की तरफ बाहर की तरफ उसको फोर्स मिले, एक्सेलरेट मिले, ताकि एक्सेलरेशन मिले ताकि वो बाहर की तरफ वो रॉक को निकाल सके। तो ये है वेज कट पैटर्न फ्रॉम टॉप ऑफ द बेंच। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। सीरीज बनाना कैसे है ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है कि सीरीज हम बनाएंगे तो हमारा ये पहले ये वेज निकलना चाहिए, फिर ये वेज निकलना चाहिए, फिर उसके बाद ये वेज निकलना चाहिए, क्योंकि ये निकलेगा तो यहाँ का जगह खाली हो जाएगा, तो ये ब्लास्ट होगा तो ये निकलेगा, इसके बाद ये ब्लास्ट होगा, ये खाली हो जाएगा तो ये ब्लास्ट होगा, तो फिर ये निकलेगा, उस तरह से एक एक वेज इसमें से निकलता जाएगा कट कट करके, सिर्फ जैसे केक काटते हैं ऐसे और ऐसे काट के खींच लेते हैं उस तरह से ये कटेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये ड्रिलिंग पैटर्न वेज का ड्रिलिंग पैटर्न फ्रॉम टॉप ऑफ द बेंच हाउ इट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी यूटिलाइज, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस पैटर्न, व्हाई हाउ कैन वी कंप्लीट द एक्सर्वेशन ऑफ बेंच। हम ये 3 मीटर का एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक बार में करेंगे, 4 मीटर साढ़े 3 मीटर का या 3.5 मीटर का होल करते हैं तो 3 मीटर के मिलेगा। बताया गया कि बूमर या टैमरक का कैपेसिटी क्या है, उसके पास कितना लॉन्ग ड्रिफ्टर ऑपरेट कर पेनेट्रेट कर सकता है, लेकिन वैसे 4 मीटर से दो, अगर हम 3 मीटर का 3 मीटर का दो डिप्टर लगाते हैं तो 6 मीटर का होगा, अगर 6 मीटर का होगा तो 4 मीटर तक तो बड़े आराम से मिलेगा, 4 मीटर साढ़े 4 मीटर तक बड़े आराम से मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि वो उस तरह से ड्रिलिंग करना फायदे की बात नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमको, हमारे ख्याल से 3 मीटर का ही ड्रिलिंग करना, साढ़े 3 मीटर का ड्रिलिंग करना काफ़ी अच्छा रहेगा। 3.5 मीटर की हम ड्रिलिंग करते हैं, डिप्टर का यूज़ करते हैं 3.5 मीटर का, तो हमें 3 मीटर तक का पूल, 3 मीटर का तक का 3 मीटर हाइट तक का एक्सरफेस बड़े आराम से होगा और होना है। तो इस तरह से जो मैंने देखा है, जो मैंने किया है वो आप लोगों के सामने रखा। अगर कोई कमेंट है इसमें तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिए, ज़रूर पूछिए, मैं ये नहीं कहता कि मत पूछिए, लेकिन पूछिए। ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, इस मेथड से पावर हाउस का हम एक्सर्वेशन बड़ी इजीली कर लेते हैं। हेडिंग पोर्शन को तो रिलीज करने के लिए बर्न कट पैटर्न लगा करके उसको स्प्लिट मेथड से पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ
दो या तीन भाग में स्प्लिट करके हम हेडिंग को हटा देते हैं, वो इजी है। लेकिन इसको करने के लिए फ्रंट से भी हम करते हैं ड्रिलिंग, और फ्रंट से भी हम ड्रिलिंग करके इसको ब्लास्ट करते हैं, और टॉप से भी करते हैं। लेकिन फ्रंट से ड्रिलिंग करके ब्लास्ट करने में टाइम प्रोग्रेस कम मिलेगा, और अगर टॉप से करते हैं तो एक बार में हमको 10 से 15 मीटर तक काम कर सकते हैं आराम से। 15 मीटर तक कोई नहीं है, उसके आगे जाएंगे तो हमको थोड़ा डिफिकल्टी तो नहीं होगा, यही मेथड चलेगा, चलता रहेगा। मगर ब्लास्ट होने के बाद जो 15 मीटर में जो ब्लास्ट होगा वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन लोज करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे पावर हाउस में थोड़ा दिक्कत आने का चांसेज है। तो इसलिए 10 से 15 मीटर इज सफिशियंट, उतना करके और फिर इसको पहले फिर मकिंग करेंगे, मकिंग करके निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी बेंच को आगे बढ़ाएंगे टॉप लास्ट तक, उसके बाद फिर दूसरा बेंच करेंगे। तो ये रहा मेथड आपको पावर हाउस का ड्रिलिंग, पावर हाउस के बेंच को ड्रिलिंग करके हटाने का। और ये वेज कैट पैटर्न फ्रॉम टॉप ऑफ द बेंच, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी मच यूजफुल। आप समझिए, समझ कर अगर आपको इसमें कुछ सजेशन आता है तो हमको दीजिए, हमको बताइए, और कुछ कमेंट आता है, कुछ गलत लगता है तो वो भी पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म किया, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। और हमारा फैशन वही है, एक बिल्डिंग की वीडियो देंगे और एक टनल की वीडियो देंगे। बिल्डिंग के वीडियो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि मैं गया था अपने विलेज, एंसेस्टर विलेज, वहाँ देखा बहुत लोग काम करवा रहे थे। तो ये जो मैसन कैटेगरी जो है, और कंट्रैक्टर दुकानों से कमीशन ले ले करके मटेरियल ज़्यादा परचेज करवाते हैं, और उनका जो घर बनाने वाले लोग हैं उन लोगों को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है। किसी किसी लोगों का तो पैसा खत्म हो जाता है, बिल्डिंग बन ही नहीं पाती है। तो इसको, इस करप्शन को दूर करने के लिए हमने बिल्डिंग पर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है, लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा है, देखें। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ, तब तक के लिए मैं विदा दे, नमस्कार।